मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुलेखा द्विवेदी एंड आई एम क्लास टीचर ऑफ क्लास फर्स्ट. नाउ वी आर लर्न सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 6 दीज एंड दोज. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न दैट वेन वी पॉइंट टू समथिंग नियर बाई वी यूज दिस. वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे देखिए, वी हैव लर्न दैट When we point to something nearby, जब कोई भी चीज़ हम अपने पास देखते हैं तो वहाँ this का यूज होता है. यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल का भी यूज करेंगे. जैसे देखिए, When we point to many things that are nearby, we, जब एक से अधिक चीज़ें प्लूरल चीज़ें हमारे पास होती हैं तो वहाँ this का यूज होता है. जैसे यहाँ दो कैट हैं तो ये कैट्स हो गई. अब दीज आर कैट्स हो गया है. उसी तरह सेकेंड फिगर में देखिए, ये पिन है. एक पिन है कि दो? दो पिन है तो ये पिन नहीं, पिन्स हो गए. एक से ज़्यादा के लिए दीज का यूज़ होता है. ये पास में है तो दीज आर पिन्स. उसी तरह दीज आर रैट्स, दीज आर कैप, दीज आर डॉग्स, ऐसे करके पूरा दीज आर कप्स, ऐसे करके पूरा आपको लिखना है, केवल बुक पे करना है. बी राइट सेंटेंस फॉर द पिक्चर गिवन बिलो. वन हैज बीन डन फॉर यू. देखिए, जैसे दीज आर बॉयज, दीज आर डॉग्स, दीज आर रैबिट्स, दीज आर बैग्स और दीज आर बर्ड्स, ऐसे करके आपको ये पूरा कॉपी में लिखना है. एंड नेक्स्ट, वी हैव लर्न दैट व्हेन वी पॉइंट टू समथिंग फार अवे वी यूज दैट. वी हैव आल्सो लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. लेट्स अस नाउ बट बोथ टुगेदर. व्हेन वी पॉइंट टू मेनी थिंग दैट आर फार अवे, जब हम नोटिस करते हैं कि मैनी बहुत सी चीज़ें हमसे दूर हैं तो वहाँ के लिए दोज का यूज होता है. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, दूर की चीज़ों के लिए दैट होता है, एक चीज़ों के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा होता है तो वहाँ दोज हो जाता है. जैसे दोज आर गर्ल्स, दोज आर डोर्स, ऐसे करके इसका इस सब भी आपको लिखना है. दोज आर डॉग्स, दोज आर फैंस, दोज आर बैग्स, दोज आर जग, दोज आर रेड्स, ऐसे करके ये आपको कॉपी भी लिखना है. अब देखिए, नाउ राइट द सेंटेंस नियर ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवेन बिलो. ये जो नीचे पिक्चर्स दिए हुए हैं इस पर आपको लिखना है. सब चीज़ दूर है तो सब में दोज लगा दीजिए. दोज आर बर्ड्स, दोज आर बॉयज, दोज आर रेड्स, दोज आर नेट, ऐसे करके पूरा आपको इस सब में दोज लगा के कॉपी में लिखना है. एंड नेक्स्ट, नाउ राइट द सेंटेंस नियर ईच ऑफ द पिक्चर गिवेन बिलो. अब क्या करना है इसमें, ये भी वही है. लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंस यूजिंग दीज आर दोज टू हैव बीन डन फॉर यू. यहाँ दीज और दोज का यूज करना है. जैसे देखिए, ये पास में है तो यहाँ दीज का यूज हुआ है. दीज आर पॉप्स एंड दोज आर एंड ये 1 2 3 पेन है तो दो दीज आर पेन्स होगा. उसी तरह ये जो बुक है ये दूर है ना, तो यहाँ पे दो जार बुक्स होगा. ये दीज आर बैलून्स होगा, दो जार फ्लावर्स होगा, यहाँ दीज आर एग्स होगा, यहाँ दो जार हेंस होगा. इस तरह करके आपको इसे कॉपी में लिखना है. एंड नेक्स्ट भी इसी तरह से लिखना है आपको कॉपी में. जो दूर है उसके लिए दोज और जो पास है उसके लिए दीज का यूज करिए. अब रिमेंबर, दोनों को साथ में देखिए कैसे. दीज एंड दैट आर यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट. दीज दैट का यूज वन ऑब्जेक्ट के लिए होता है, दीज दैट का. और दीज दोज का एक से ज़्यादा हो, मोर हो, तब.
एंड दिस का यूज फॉर ऑब्जेक्ट क्लोज टू यू, दैट एंड दोज आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू. दिस और दीज का यूज पास के लिए होता है, पास की वस्तुओं के लिए, और दैट का और दोज का दूर के लिए होता है. उसी के अकॉर्डिंग इसको फील करना है. जो जिसके पास है वहाँ पे एक है तो दिस और एक से ज़्यादा है तो दीज, और उसी तरह जो दूर है एक है तो दैट, एक से ज़्यादा है तो दोज लगाइए. तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे करके इसे फील करिए. ठीक है, फर्स्ट फिगर में हम आपको बता दे रहे हैं दीज आर दीज. देखिए ये एक है तो यहाँ पे दीज का यूज होगा, नीचे दीज का यूज होगा, फिर यहाँ थर्ड में दीज का यूज होगा, फिर फोर्थ में भी दीज का यूज होगा, फिफ्थ में दीज का यूज होगा, सिक्स में भी दीज का यूज होगा. ऐसे करके आपको कॉपी में लिखना है. फील इन द ब्लैंक विद दैट आर दोज, इसमें दैट और दोज का यूज करके फील करना है. कैसे, देखिए दूर तो सब है, अब जो एक होगा वहाँ पे दैट, जो एक से ज़्यादा होगा वहाँ पर दोज. जैसे फर्स्ट फिगर में एक है तो यहाँ पे दैट होगा, सेकेंड फिगर में एक से ज़्यादा है तो दोज हो जाएगा, थर्ड फिगर में एक से ज़्यादा है दोज हो जाएगा, फोर्थ फिगर में एक है तो दैट होगा, फिफ्थ फिगर में एक से ज़्यादा है तो दोज हो जाएगा, सिक्स फिगर में केवल एक है तो इसलिए दैट होगा. इस तरह से करके आपको दिस दैट और दोज का यूज करके कॉपी में लिखना है इसे. थैंक यू.